गुड मॉर्निंग, और इधर देखो 5:15 हो चुके हैं और मैं उठी थी 5 बजे, और उसके बाद थोड़ा फ्रेश रेस हुई, उसके बाद हमने वीडियो स्टार्ट किया अपना बनाना, कि थोड़ा थोड़ा क्लिप बना लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे। चलो बाहर बाहर चलो बाहर। और इधर बाहर के गेट खोल के बिट्टू और बिट्टू को बाहर निकाल दिया है, और झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, इन्हें रख देंगे बाहर, ये थोड़ी बाहर की हवा लेंगे। और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है, और देख सकते हो रिलेटिंग तो हमारे तोते इतनी करती हैं, बाहर गंदगी फैलाते हैं। और इधर देख सकते हो आसमान में बादल भी छा रखे हैं, और इधर हमारी झाड़ू लग गई थी तो थोड़ी थोड़ी क्लिप उन्हें शूट की, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे बैक कैमरे से शूट कर लेते हैं। तो गाइस अपने झाड़ू इधर लग गई है, और उसके बाद अब करेंगे बाहर की धुलाई, और पानी भी गर्म होने रख दिया है। इनके सौरभ के पापा को देंगे पानी, वो भी उठ जाएंगे साथ में पीछे से, तो उठ गए थे, उन्होंने पानी दे रहे हैं, और मम्मी पापा के लिए चाय बनाऊंगी, और हम लोग तो बाद में पियेंगे नहाने धोने पूजा करने के बाद। तो इधर ये पानी, और इधर मम्मी और पापा की चाय रख देती हूँ, और अभी तो फ़िलहाल सब सो रहे हैं तो मैं बनाऊँगी जब तक उठ जाएँगे। तो इधर हमने बाहर की धुलाई करने के बाद इधर आंगन की भी धुलाई कर दी है, और देख सकते हो हमने पॉट बनाए थे उसी टाइम ने ये कटिंग लगाई थी, तो सारे बहुत ही अच्छे से हो गए हैं, कितने बड़े बड़े हो गए, बरसात में तो और भी अच्छे हो गए हैं। तो सुबह सुबह से जल्दी से उठ जाओ तो यही उठने का यही फ़ायदा है, ताकि अपने जल्दी जल्दी से काम निपटा लो, और अच्छा भी लगता है सुबह सुबह करने में, धूप ऊप हो जाती है तब मन बिल्कुल भी नहीं लगता काम करने में, और सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो इधर हमारा 6 बज गए थे, पानी भी आ गया, तो उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे, और बच्चों को भी नहला धुला के, और इधर कर ली थी पूजा की तैयारी। तो ये इधर दही लिया है, चीनी और दूध, गंगा जल, और इधर सौरभ ने हमारे देख सकते हो सारे ये जैसे बेलपत्री तो मैंने संडे को तोड़ ली थी, और ये फूल पाती, धतूरे, दूब, ये सारा कुछ फूल पाती ये हमारे सौरभ तोड़ के ले आया है सामान, जब तक हमने नाना दोनों अपना काम निपटाया, बच्चे भी हमारे, और इधर ये हो गया था नहाने के बाद रेडी, और रेडी होके क्योंकि बहुत जल्दी सुबह 7:30 बजे का स्कूल है, तो इससे पहले मुझे, और बच्चे हमारे शौक से रहते हैं कि मम्मी मैं भी रहूँगा, तो दोनों हैं, पिछली बार भी रहे थे और इस बार भी हैं। तो इधर देख सकते हो बच्चे, तो बच्चे हमारे तोते भी देख सकते हो आ गए हैं पूजा करने के लिए, हम लोग जाते हैं मंदिर पूजा करने के बैठे हैं, तो वो भी आ गए, सामने आपको दिख रहा होगा पेड़ पर बैठा है बिट्टू भी, और जब तक हम लोगों ने पूजा की तो पास ही में बैठा रहा, बिल्कुल भी नहीं हटा, और इनके बाद सौरभ के पापा ने थोड़ा लेट की थी तो उनके पास भी आके बैठ गया था पूजा करने के लिए। तो इधर हम लोग बेलपत्री वगैरह अपने जैसे आती, जैसे ज़्यादा तो मुझे नहीं आती पूजा वूजा करना, जैसा मुझे आता है वैसा मैं कर लेती हूँ भक्ति भाव से। तो इधर हमारे भोले बाबा की हो गई है पूजा, और बच्चे हम तीनों ने मिलके की, और इनके पापा ने की है थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये थोड़ा लेट हो गए थे, और बच्चों के साथ मुझे स्कूल बच्चों को भेजना था तो इसलिए बच्चों के साथ कर ली, और जैसी मुझे आती है और वैसे मैं अपने मेरे बच्चों को, बच्चे भी करते हैं और मैं भी करती हूँ। तो इधर धतूरे भी, ये सारा सामान मुझे बाहर से बिल्कुल भी मंगाना नहीं पड़ता, मेरे यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, और देख सकते हो ये भी बैठा है पास में, देखता है कि क्या क्या होता है, क्या कर रहा है, और आके कहीं फूल उठाने लगता है, कहीं कुछ भी करने लगता है। तो इधर, और हमने पता एक साथ में जैसे लोटे में सारा जल भर लिया था, गंगा जल डाले, दूध डाल दिया, और लोटे अभी देखो आ गया, उसे भी लगता मैं भी करूँ। तो गाइस ऐसे तोते आपने नहीं देखे होंगे जो साथ में, इतना बड़ा भक्त है भोले बाबा का। और इधर हमने सूर्य भगवान को भी जल अर्पित कर दिया है, चढ़ा दिया है। तो इधर हमारी पूजा हो गई थी संपन्न, अब कर देते हैं आंगन में रखी है हमारी तुलसी मैया विराजमान है, तो वहाँ पे भी कर देते हैं, और बच्चे सौरभ तो हो गया था रेडी, और इसके बाद इधर आंगन में तुलसी मैया की पूजा कर देती हूँ। और तुलसी मैया हमारी देखो कितनी प्यारी हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है गाइस, जैसा आता है मैं वैसे उसी के हिसाब से मैं कर लेती हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? उम्मीद करती आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, और सुबह 5 बजे से उठी हूँ, और 7:30 बज गए हैं, मतलब जो झाड़ू पोछा नाना धोना और पूजा भी कर ली है हमने, और बच्चों ने मिलके सभी लोगों ने, हम लोग उन्हें 7 बजे तो सारे नहा लिए थे, और उसके बाद पूजा की तैयारी की, और हम लोगों ने मिलके सभी लोगों ने, चारों लोगों ने, हम लोगों दोनों और बच्चे ने दोनों मिलके कर ली पूजा,
और इसके बाद बच्चों को भी तैयार करके भेज दिया, वो भी उनका भी फास्ट है, व्रत है उनका भी, दोनों हैं। और कुछ लेके भी नहीं, बस एक एक अमरूद पेड़ से तोड़ दिया वही लेके गए, मतलब कुछ भी नहीं लेके गए और नहीं खाएंगे, लौट के आएंगे स्कूल से जब ही कुछ खाएंगे। और हमने भी अपनी चाय बना ली, मम्मी पापा को तो बना के पहले से दे दी थी और इनको गर्म पानी भी करके दे दिया था। तो बच्चे भी जा चुके हैं, बच्चों को बेटी की चोटी वोटी बना के तैयार करके उन्हें भेज दिया है, वो भी चाय लेके बैठे हैं, अब हम भी चाय पी लेते हैं। तो समय से उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ तो सारे काम भी टाइम से हो जाते हैं, अच्छे से पूजा भी हो जाती है, और थोड़ा लेट आलस कर जाओ ना तो सारे काम हो जाते लेट और काम भी सही से नहीं होता। तो जो लेडीज़ हैं उन्हें टाइम से सुबह जल्दी से उठना चाहिए और सारे काम समय से निपटाने चाहिए, और लेडीज़ आलस करती है तो घर में भी बरकत नहीं होती है, तो इसलिए लेडीज़ को तो जल्दी उठना चाहिए और सारे काम समय से निपटाने चाहिए। आ जाइए गाइस, आप लोग भी चाय पी लीजिए, अब देखते हैं इसके बाद मम्मी पापा के लिए क्या बनाते हैं। मम्मी पापा और सौरभ के पापा ये तीनों लोग नहीं हैं, और हम तीनों लोग व्रत हैं और ये तीनों लोग नहीं हैं, तो इनके लिए कुछ बनाएंगे खाने में, देखो क्या बनाते हैं, पूछेंगे मम्मी से। इधर देखो ये बच्चे चले गए स्कूल, उसके बाद ये बच्चों को छोड़ के उधर से लेके आइए केले और आम, क्योंकि बच्चे व्रत हैं ना, अब ऐसे कुछ खाते नहीं हैं, ऐसे बने रहेंगे और खाते नहीं हैं कुछ, तो लेके आए हैं कि थोड़ा बहुत आएंगे तभी खाएंगे। वैसे स्कूल पता ले भेजो, पिछली बार हमने लंच में लगा के फल भेजे थे, बिल्कुल भी नहीं खाए, वैसे वापस लेके चले आए। तो ये ले आए घर पे, तो इन्हें धुल के रख देंगे। और ये तुरैया लाए हैं, तुरई हमारे यहाँ तुरैया ही बोलते हैं, फरुखाबादी भाषा है तुरैया। देख सकते हो ताज़ी ताज़ी हैं एकदम से, पतली पतली ताज़ी ताज़ी, लेकिन आज नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज की बनती नहीं है, अब मैं आज लहसुन प्याज डालूँगी नहीं, तो इन्हें बनाएंगे कल सुबह को, लेकिन अच्छी बहुत हैं, एकदम से ताज़ी हैं। और ये आम है, इन्हें भी अब धुल के रख देते हैं। और मम्मी पापा के लिए बनाएंगे अरवी, क्योंकि उसमें भी लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, ऐसी बना देंगे और रोटी सेक देंगे। और इसके बाद होने लगी थी बारिश, और इधर देख सकते हो माँ बेटे बच्चे, इनकी ये माँ है बच्चे हैं, सभी के साथ चल रही है मस्ती बारिश में। और गाइस ब्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।